नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई साहब, जयशंकर साहब के जाने से पहले पाकिस्तानी मीडिया में हलचल, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में हलचल, जयशंकर साहब के वहां होने पर पाकिस्तानी मीडिया में हलचल, यूट्यूबर्स में हलचल, और वहां से आने के बाद भी उनके हलचल मची हुई है अभी भी। तो रियल एंटरटेनमेंट वाले सोहेब भाई का वीडियो है, जयशंकर वायरल स्पीच इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी गर्ल रिएक्शन ऑन इंडिया। चलिए देखते हैं। एससीओ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, जो इस टाइम पूरा सिचुएशन चल रही है इस्लामाबाद में? अरे ये तो वही मैडम है जो अभी पिछली बार आई थी। मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी यूट्यूबर बनने वाली है। आई एम फीलिंग दैट बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि इनका एक यूट्यूब चैनल आने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों, हो सकता नहीं भी आएंगे क्योंकि ये अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कह रही है, स्टूडेंट भी है, बट आई डोंट नो। अंदर से कहीं मेरे अंदर से जवाब आया कि भाई इनका YouTube चैनल आएगा। चलिए, मैं एसईओ बिल्कुल इस टॉपिक पे बात करूंगी, ये करंट टॉपिक है हमारा और मैं चाह भी रही हूँ इस टॉपिक पे बात करना। लेकिन उससे पहले जो लास्ट हमने वीडियो शूट की है, जो आपने वीडियो डाली है, मैं उस पर 2-3 मिनट बात करना चाहूंगी। मैंने वीडियो में देख रही थी जो आपने यूट्यूब पे डाली है वो भी, और जो आपने पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है उन पर भी। हमें यहाँ पे ये आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी आपने मुझसे पूछा था कि हर सोशल मीडिया का बंदा ये चूरन बेचता है, ये कहता है कि जी इंडिया नफरत फैला रहा है, वहाँ की लड़कियों पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, मुसलमान लड़कियों के साथ ये कर दिया। पता क्या है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने फेस किया है, करते हैं वो जुल्म। भाई मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानियों ने मुझे कमेंट्स किए, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट दी, सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब कर रहा है, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है। और मेरी इज्जत के मुहाफिज मेरे पाकिस्तानी भाई, किसी को ये परवाह ही नहीं है कि हमारी बहन बात कर क्या रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान से आपको क्या रिएक्शन मिला, जरा वो भी बताएं। मुझे बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ, हमारी जो हालत है ना, उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है ये फैक्टर। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बात क्या की जा रही है, बात कौन कर रहा है। हम इन्हें, जिन्हें गाली की थी, इन्हें पाया की है, इसने ये खड़ा कैसे हुआ है, ये बात कैसे कर रहा है, ये बोल कैसे रहा है। जब तक आप लोग ये सोचते रहेंगे ना, बड़ी माजरत के साथ और दुख के साथ, मैं कहूंगी हमारे इधर चेंज नहीं आने वाला। चले फिर भी आप अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मेरी मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, अपने, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर, पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा। ओ जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये तो, मतलब लेकिन ये आप अपनी मर्जी से ले रही है। मुझे ये भी पता है, अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे दुपट्टा इसका इधर से खराब था, उधर से खराब था। अभी भी मेरे आधे पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आनी कि हमारी बहन खड़ी होकर बात क्या कर रही है और किसके लिए कर रही है। ये बात कहती है, यानी कि बात सुननी नहीं कि यार ये बंदा बात क्या कर रहा है, ये बात देखनी है कि इसने दुपट्टा नहीं लिया। लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी जो नजर आती, पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। यानी एक, लेट्स सपोज, बंदा ये कह रहा है कि आपस में नफरतें ना बांटो, एक बंदा ये कह रहा है, एक लड़की है पाकिस्तान पे रोड पे खड़ी होके कह रही है कि यार एक दूसरे के साथ दुश्मनी ना करो, पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए काम करो। वो बातें छोड़ के आगे से आप या कोई भी, कोई ये भाई बोलेंगे यार ये लड़की हमें क्या समझाएगी, इसने तो खुद दुपट्टा नहीं लिया, तो क्या हमारी अकल पे पर्दा पड़ा है या फिर हमारी अकल पे दुपट्टा पड़ा है? देखे, अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो लिखली, अगर देखा जाए तो लोग एक दूसरे पे उंगली उठाती है। अगर बाहर आउट ऑफ कंट्री देखे ना, तो गोरे इन चीजों को वो नहीं लेते हैं। ठीक हो गया, वो जस्ट अगर बिजनेस है तो अपने बिजनेस को लेते हैं। ठीक है, ये फजूल चीजें हैं यार, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इन चीजों को वो नहीं देखते। ये जस्ट यार अगर देखा जाए तो ये टाइम वेस्ट है, टाइम का वेस्ट है। आप अपनी नजर को बेहतर करो, अपने, अगर आपको दुपट्टा या ये चीजें बेहतर है तो आप अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर को जरूर दुपट्टा दिलवाएं, सब कुछ करें, वो आपका राइट है। अच्छा अंबर जी क्या कहना चाहेंगे, ये देखें कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो आपकी बात को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने, उन्होंने फिर भी मैंने इसको नेगेटिव वे में नहीं लिया, आपने दुपट्टा ले लिया, मेरी सोसाइटी ने मेरी इस्लाह की, मैंने कर लिया। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग कब तक ये दुपट्टे, चादर इससे बाहर निकल के अपनी इकोनॉमी पे आएंगे, अपनी बहनों के तहफ्फुज़ पे आएंगे, अपनी कौम की बेटियों को इंडिविजुअल मानने पे आएंगे, पाकिस्तान की बेहतरी पर आएंगे? मैं अब देखती हूँ, इस वीडियो के बाद मैं देखूंगी मेरे कितने को भाइयों ने मेरी शक्ल और मेरा दुपट्टा छोड़ के मेरी बात सुनी है, मेरा मैसेज सुना। ठीक है, नहीं अब शायद नीचे कमेंट ये आ जाएंगे पाकिस्तान से, जो हमारे भाई देखेंगे वो ये कहेंगे दुपट्टा तो लिया लेकिन हिजाब नहीं किया। अब चले, मैं मुंह भी छुपा लेती हूँ, ठीक है, मेरे मुंह छुपाने से अगर यहाँ पे ज्यादती
बेटियों के केस रुकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद रुकता है, यहाँ पर अगर बेटियों की हिफाजत होती है तो ठीक है मैं मुंह भी ढांप लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ज्यादतियों के केसेस वैसे ही होते रहेंगे और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। ये दुपट्टा सिर से करके नीचे निकली, इसने दुपट्टा नहीं लिया, मैंने इसके सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, ये गंदी औरत थी, इसलिए मेरा हक था, मैंने इसके साथ जा दिया। लेकिन इसका आप, मैं ये समझूं कि आप थोड़ा डर गई हैं या आप खौफ में आ गई हैं कि भाई ऐसे कमेंट आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरी, मुझे किसी का डर नहीं है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा घर है, मेरा जितना को मेरा स्टेटस है ना, अपने स्टेटस, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपने स्टेटस के लिहाज से जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, मैं बोल के चेंज ला सकती हूँ, मैं बोलूंगी, ठीक है, डरती मैं किसी से नहीं हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर इसी तरह मेरी बात सुनते हैं तो प्लीज कम अज कम बात तो सुने यार, अपने मुल्क के ऊपर फोकस तो करें, इसी तरह से सही लेकिन हालात की तरफ आए, ठीक है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी बात करेंगे। अंबर जी बहुत, मतलब पहले भी इनके साथ बात की है, बड़ी जज्बाती है, बड़ी इमोशनल होती है, आज भी बात की है, आज तो खैर इनका एक जेन्युइन इशू है कि भाई ये चीजें चल रही हैं कि आपने बात नहीं सुननी, दुपट्टे पे फोकस करना है। खैर मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग जो हमारा मेन टॉपिक है, अगर आप बेहतर समझे, नो डाउट मैं खुद इस चीज को गलत समझता हूँ कि भाई बजाय बात सुनने के आप किसी के ऊपर पॉइंट आउट किया जाए, पर्सनली आप अटैक करें, यह गलत बात है। क्या कहना चाहेंगी, इस्लामाबाद में इस टाइम मीटिंग चल रही है, एससीओ की मीटिंग हुई, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद, इसके अलावा रशिया के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, क्या आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, कैसा रहा ये इवेंट, क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ, क्या पाकिस्तान फायदा ले सकता था इस मीटिंग से? ये मीटिंग इतने सालों बाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है, और ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन स्टिल मेरी बात सुने चौधरी साहब, जिस सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, बेहतर ही नहीं करना चाहता, जितने लोग इधर खड़े हैं इन सबसे पूछ रहे हैं, इन सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था, दोस्ती की तरफ एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया, उसके बाद इन्होंने किया क्या? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर गए हैं, और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूं बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, अच्छा बहुत अच्छा हुआ है उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो वो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तान ने जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखता है, आप वहाँ से देख लें, वो ये वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है, हाँ हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो वो पूजा करते, वो समझते हैं अपने घर है मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना, ठीक है तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी, हाँ। जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इधर इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के, हाँ। खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता, हाँ। या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते, मैं नहीं मानती कि वो कोई कदम ना बढ़ाते। इन्होंने जो बात की है, मैं कहूंगा कि देखने वाले कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर जरूर बताइएगा कि जो इन्होंने बोला है कि इंडिया वाले या खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात की है, वो खाने को भी भगवान का दर्जा देते हैं या इस तरीके से पूजा करते हैं, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप इसके ऊपर क्या समझती हैं, क्या वजह है ये उन्हें जो एक तहफ़ुज़ात हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उन्हें मसला ये है कि भाई पाकिस्तान में जो है इस टाइम एक्सट्रीमिज्म या ये चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से हम रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे, क्या इस टाइम जब वो आए हैं 2 दिन पहले? चलिए आगे की बातें सुने, कई सारी बातें जो हैं इसमें घालमेल हो गई, ठीक है, अब स्वागत करने की तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो उस देश की नियत पर, उस देश की मंशा पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले का कैसा वेलकम कर रहे हैं, ठीक है प्रोटोकॉल के हिसाब से वेलकम सही हुआ, अब इसमें ये हो सकता था और ये नहीं हो सकता था, मैं मुकेश अंबानी बन जाता, मैं रतन टाटा बन जाता, मैं ये हो जाता, मैं हो सकता था, ऐसा कर सकता था, नहीं ये सब इस पर दुनिया नहीं चलती।
आपको कमी निकालनी है तो मैं किसी भी चीज में कमी निकाल सकता हूं, मैं किसी भी चीज में कमी निकाल सकता हूं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर जयशंकर साहब को उस तरह से ट्रीट क्यों नहीं किया गया, इस तरह से ट्वीट क्यों नहीं किया गया, उस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए था, नहीं। एक जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन किया गया। जब वो वहां पर उतरे, वहां पर पाकिस्तान सरकार के से जुड़े लोग वहां मौजूद थे, उस प्रोटोकॉल ऑफिसर वहां पर मौजूद थे, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, वो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। और भारत यार देखो, एक गाड़ी का कमर्शियल हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था कुछ महीने पहले, कि एक दो बंदे होते हैं और वो बहुत नई और बड़ी गाड़ी में जा रहे होते हैं, और बगल से उनके एक छोटी कोई गाड़ी निकलती है और वो उसको चिढ़ाते हुए निकल जाते हैं। तो जो ड्राइव कर रहा है उसके बगल में शायद उसका छोटा भाई है, वो कहता है कि यार देखो यार ये क्या है, कैसे वो निकल गए हमसे आगे, कैसा हो सकता है ये, बड़े तो हम हैं। तो वो जो ड्राइव कर रहा होता है वो अपने छोटे भाई को कहता है कि हाँ इसीलिए तो बड़े हम हैं, इसीलिए जिम्मेदारी हमारी है। छोटे मोटे लोग तो उकसाते रहते हैं, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है हम बड़े हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर वहां पर प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं भी होता तो जयशंकर साहब जाकर वहां पर शिकायत नहीं करने वाले थे। जयशंकर साहब वहां जाकर वही करने वाले थे जो वो करके आए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, बिना नाम लिए चीन को भी कहा, उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा कि भाई अगर रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म की बढ़ती घटनाओं को देखना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, पाकिस्तानी मीडिया इस पर पिनक गई। उनको लगा कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, सबके सामने पोल खोल दी, भाई उन्होंने तो नाम नहीं लिया। बाकी आपकी मर्जी। पहले 3 दिन पहले क्या चाइनीज के ऊपर अटैक नहीं हुआ कराची में, क्या बलोचिस्तान में 20-22-25 लोगों की मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि भाई अभी इन्होंने 2 दिन पहले चाइना के साथ क्या किया है, ठीक है, अगर वो लोग ये कह देते, ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम नहीं चल के जा रहे, हमारी जान को हिफाजत नहीं मिली उधर से, हमें वहां से सिक्योरिटी नहीं मिली, हम यहीं से, डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ना, वो ऑनलाइन शिरकत कर सकते थे। अगर वो ये स्टेटमेंट पास कर देते कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ्फुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था? ठीक हो गया। अच्छा, दर्द रखते हैं, नो डाउट, और हर पाकिस्तानी दर्द रखता है पाकिस्तान के लिए। क्या समझती हैं, जैसे आपकी आवाज सुन के, आपकी बात सुन के, मैं कहता हूँ 100 की तादाद में तो ऐसे ही, किसी को हमने यहाँ पे इनवाइट नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया, ये जितने लोग मौजूद हैं आपकी बात सुन रहे हैं, क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं या मतलब इनकी बातों को बेहतर समझ रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं? इनकी बात बेहतर है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बात बेहतर है या गलत बात कर रहे हैं? ठीक, अच्छा, सामने सामने तो कहते हैं ठीक बेहतर बात कर रही है, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, पाकिस्तान में बेहतरी होनी चाहिए। बात सुने, हमें ये बताया जाता है, आप लोगों का भी कसूर नहीं है इसमें। अच्छा, हमारे बच्चों को, हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया गया इंडिया दुश्मन है, हमें टीवी पे हर दूसरे, हम ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे खुद अपनी ईमानदारी से पता है लाहौर में जो कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ बेटियों के साथ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये अमन है, ये इंडिया कर रहा है, ये हम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। हम किस मुंह से कहें उनको कि वो हमारे दुश्मन है, हम खुद के सगे हैं, दुश्मन खुद है। अच्छा, बड़ी गजब की बात हुई है इसमें, मैं इस पे अपडेट देना चाहूंगा, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज कहती हैं कि ये जो रेप की रिपोर्ट है ये फेक है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में हुआ है ना, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुआ है, सैकड़ों लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, गार्ड के ऊपर, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, गार्ड के ऊपर आरोप लगा। और चूंकि वो बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, मरियम नवाज से उनके संबंध बड़े अच्छे हैं, इस पर इतना बवाल हुआ पाकिस्तान में, वो शहजाद गैस जो हैं, क्या नाम है, गौस जो भी हैं, पॉडकास्ट वाले द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, उन्होंने वीडियो बनाया, मैंने उस पर रिएक्शन भी दिया था। ये भारत की मीडिया नहीं कह रही, ये पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट्स दी, और अब
मुख्यमंत्री आके कह रही हैं कि वो रेप के आरोप तो बेकार हैं, सब झूठे हैं, वो लड़कियां जो कह रही हैं उनकी दोस्त के साथ जो हुआ वो झूठ है, इतने लोग प्रोटेस्ट पे बच्चे आ गए ये सब झूठ है, वो पागल हैं, उनमें दिमाग नहीं है, बच्चों में जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनमें दिमाग नहीं है, वो ऐसे ही प्रोटेस्ट पे आ गए। अभी देख ले शायद रावलपिंडी में शायद उसकी तस्वीरें आ रही थी, वहां पर 200-300 बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, वहां पर बवाल हुआ, ये सारी तस्वीरें वहीं की हैं, वहां पर बवाल हुआ है, आगजनी हुई है, बच्चों को मारा गया है, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है, लाहौर में प्रोटेस्ट हुए। लेकिन मरियम नवाज कहती है कि तुरे आरोप झूठा है, खबर झूठी है। लो जी, स्टेट ने बिना कोई जांच किए, बिना कोई केस चलाए, बिना कोई आई विटनेस को सुने, मुख्यमंत्री ने कह दिया हाँ सब बेकार है, बकवास है, कोई खबर नहीं, हो गई जी बात खत्म, कोई रेप नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ये सब बेकार लोग हैं, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सारी लड़कियां जो हैं वो एक नंबर की नालायक हैं जो अपनी दोस्त के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये सब झूठ बातें हैं। अब आप बताइए, जहां की स्टेट इन रेपिस्ट को बचा रही हो, उस यूनिवर्सिटी को बचा रही हो जो जिसके साथ उनके संबंध हैं, शायद हो सकता है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की फैमिली के पैसे लगे हुए यूनिवर्सिटी में, तो रेपुटेशन कैसा खराब होने देंगे। बोल दिया कि नहीं नहीं वो तो रेप का केस ही गलत है, गलत है केस, ये है मामला। और आप लोग कहते हैं कि हम लोग एक आजाद मुल्क में रहते हैं, हमने आजादी इसलिए ली हिंदुओं से ताकि हम आजादी से सांस ले सके, अपने राइट्स मिल सके हमें पूरे, ये मिल रहे हैं राइट्स। तुम्हारी बेटी भी हो सकती है अगली, लेते रहना राइट्स, तुम्हारी बहन हो सकती है अगली, लेते रहना राइट्स, आवाज बुलंद नहीं करोगे सब मामला दबा दिया जाएगा, रफा दफा कर लिया जाएगा, कल को पीएम भी आके बोल देगा कि नहीं नहीं सब बेकार है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्या करोगे फिर, एज ए बाप आप क्या करोगे, एज ए मां आप क्या करेंगी, एज ए भाई आप क्या करेंगे। दुश्मन खुद है, अपने दुश्मन, ये चेंज कैसे आएगा, ये तो चले पता चल गया हम खुद दुश्मन है, ये चेंज कैसे आएगा भाईजान, आप क्या समझते हैं ये चेंज कैसे आएगा, ये लेट्स सपोज पता चल भी गया हम दुश्मन है या इस तरीके से ये मामला है, लेकिन सोच कैसे बदलेगी, ओवरऑल पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए सोशल मीडिया से हट के ना, इस्लाम की तरफ हम बहुत कम जो है ना रागब है, अच्छा इस्लाम से दूर, अगर नमाज फॉर एग्जाम्पल नमाज है वो दीन का सुतून है, अगर हम एक नमाज पढ़ेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन मैं कहता हूँ और ओवर हम जो है ठीक हो सकते हैं, हम दीन से दूर हैं, ठीक है। सोशल मीडिया ये मोबाइल है, अच्छा। मोबाइल ने बंदे को कैद करके रखा, जिसको मर्जी देख ले 100% में मेरे हिसाब से 99% मोबाइल में बंदे नहीं, उसमें एक चीज ये है ना, मेरी बात सुने, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, इसे आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, ये आपका काम है कि आप इसे कुछ गलत एक्टिविटीज करें, कुछ गलत काम करें, या आपका काम है कि आप इसे टेक्नोलॉजी में सीखें, आप इसे अर्निंग करें, आप अर्निंग कर सकते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन अगेन हमारा हम लोगों का मसला क्या है, हर चीज में पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिविटी भी वहीं पे मौजूद है जहाँ मोबाइल में टेक्नोलॉजी में बेहयाई मौजूद है ना, वहाँ पर इल्म भी मौजूद है, वहाँ पे पॉजिटिविटी भी मौजूद है, हम खुद चूज करते हैं, अर्निंग का तरीका भी मौजूद है, हम खुद चूज करते हैं नेगेटिविटी, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देन हम कह देते हैं टेक्नोलॉजी का कसूर है या दूसरे मुल्क का कसूर है या बेहयाई का कसूर है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऐसे ही है, आपको या जितने भी लोग खड़े हैं किसी कभी मोबाइल में ऐसा। मैं तो बस हंसता हूँ जब भी ये कोई कहता है ना पाकिस्तान में हम दीन से दूर हो गए हैं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा, अरे तो करते क्यों नहीं हो भाई, पढ़ते क्यों नहीं हो भाई, दीन पर चलते क्यों नहीं हो भाई, रोका किसने है, कौन है वो कमबख्त जिसने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, जिसने तुम्हारे गले पकड़ रखे हैं, टोपी ट्रांसफर करना बंद करो ना बे, अरे इस्लाम का जो शील्ड बना ले तो फटाक से इसको हटाओ, ऐसा नहीं होता, वरना नमाज पढ़ने से अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो पाकिस्तान में सारे लोग खुश होते, है कि नहीं। जब तक हाथ पैर नहीं हिलाओगे, जब तक काम नहीं करोगे, काम चोरी छोड़ोगे नहीं, नेगेटिविटी को हटाओगे नहीं, तब तक कोई नमाज, कोई तुम्हारा खुदा कुछ नहीं तुम्हारी मदद करेगा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, काम करो, पॉजिटिव चीजें देखो, लेकिन नहीं मोबाइल मिल गया नहीं उस पर पढ़ाई की बातें नहीं देखूंगा मैं, तो पोर्न देखूंगा,
वाह, तो भाई इसमें गलती मोबाइल की नहीं है ना, तुम्हारी है। में ऐसा आया कि भाई अगर आप मोबाइल में कुछ गलत चीज नहीं देखेंगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, कभी ऐसा कोई मैसेज या कुछ ऐसा आया हो नहीं। वो हम खुद देखें और बाद में कहते हैं टेक्नोलॉजी गलत है, टेक्नोलॉजी से तो आज दुनिया कहां की कहां चली। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेक्नोलॉजी गलत है, मैं कह रहा हूँ खुद के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान जैसा खुद होगा सब कुछ उसको वैसा नजर आएगा। अगर अगर हम इसको पॉजिटिविटी मतलब तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो हम कामयाबी हो सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या समझती हैं इस समय जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है, स्टूडेंट्स इस समय सड़कों पे हैं, लाहौर की अगर खास तौर पे बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, सियासी पार्टीज जो हैं वो धरना या इसी के से? अच्छे से पता है, ठीक है, हमारी जो हमारे मुल्ला हजरात जो इस टाइम इंतजार फैलाने पे लगे हुए हैं, हमारी सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, ठीक है, हमारी समाजी और फलाही जो पार्टियां वो क्या कर रही हैं। मैं अपने शहर में यहाँ पे महफूज नहीं हूँ, अपने शहरियों से महफूज नहीं हूँ, तालीमी इदारे में महफूज नहीं हूँ। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे इस बात से करूंगा कि अगर आप महफूज नहीं देखें, आप खड़ी हैं, आपको क्या इशू है या मतलब क्या आपको कहना है? आपको रिसेंटली, मैं उस इदारे का नाम नहीं लूंगी, पता सबको है, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल फोरियम है, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इदारों का हम पर एहसान है, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जो ज्यादती कर रहे हैं इदारा, ज्यादती भी इस टाइम उसी की है। मैं उस इदारे का नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पे खड़े हर शख्स को पता है, इस टाइम पूरे लाहौर को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी सबको पता है। उसके बावजूद जो लोग जिसके साथ जुल्म हुआ उसको तो छोड़ दें, वो तो मर गई है बेचारी, जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, उनको क्या कहा जा रहा है, उन बेटियों को कहा जा रहा है। मैं आप बोलेंगे ना, ये ना हो यहाँ पे इस तरह का केस एक और हो जाए, ये ना हो आपके साथ भी वो जो उसके साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, क्योंकि हम एक मुस्लिम सोसाइटी है, एक इस्लामिक जो सा हमारा कल्चर है सारा, आपको लगता है कि हम अपनी बेटियों को उतना तहफ्फुज दे रहे हैं, अपनी बहनों को उतना तहफ्फुज दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए, जितना हम ये कहते हैं कि भाई इस्लाम में बेटियों की बड़ी रिस्पेक्ट है? तहफ्फुज देने की बात कर रहे हैं? अच्छा, आप तहफ्फुज देने की बात कर रहे हैं? यहाँ के जो साहिब इख्तदार लोग हैं वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है तुम्हारी तरह, उनकी नजर में तो वो कहते हैं जी उनकी बेटी 8 से उतरी हुई है और हम ये डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास घरों से हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के या हम पर एतबार करके हमें जिंदगी की जंग जीतने के लिए पढ़ने भेज दिया है। हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अच्छा, ये लोग ऐसे तशहीर कर जा रहे हैं, वाकई हुआ? अच्छा, हुआ तो वीडियो है आपके पास, क्या रेप का वीडियो मांग रहे हैं भाई साहब? सही बात है यार, रेप हुआ उसका वीडियो बनाया जाए भाई पहले, तब सबूत दें, तब ये मानेंगे, ये है मामला। देखिए तो ये इतने पूरे पंजाब में पूरे ऐसी लड़कियां बेचारी बाहर रही हैं, इतना जरा पाकिस्तान उतले लेवल पे जाने, इसका भी इतना, ये किसने किया, इसने किया, किसने किया, आप मुझे बताओ, तुम पता नहीं, तुम ये पता नहीं, इस मुल्क में कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आप उठ के चार बंदे उठ के आते हैं जी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, आपकी आपका वजीर आजम आपने चोर कह के उड़ा दिया। सुन ले, बात सुने, अब बात सुने, देखे सुन ले, मेरी बात सुने, देखे मेरी बात, नहीं नहीं, लड़की के साथ ज्यादती नहीं हुआ, मेरी बात सुन, आप बात सुन ले मेरी, भाई डराया जाता है, भाई जाए, आप उनके पास जाए, जो जिसको डरा रहा है ना, आप बात तो करने दे, बात तो करने देना, ठहर जाए, एक मिनट, मेरी बात सुने, जैनब का वाकिया हुआ था, तो क्या किया इन्होंने, चौराहे पर रख के फायर मारे ना उसको, तो फिर पता चले, अच्छा पाकिस्तान है ना भाई, बात सुने, इस्लामी मुल्क है ना, अब मेरी बात सुने, आप क्या कह रहे हैं, जरा वाकया होया ही नहीं, कोई एफ आई आर कटी है, अब मुझे ही सामने आया, अल्लाह को हाजिर नजर जान के बताएं, एक मिनट भाई, अल्लाह को हाजिर नजर जान के बताएं कि क्या हरासमेंट होती है या नहीं, बस इतना, हरासमेंट होती है, हरासमेंट हम बात ही नहीं करें, मसला यहाँ पे है, देखिए मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, नहीं है हमारी बहने नहीं है, हम लोग अगर इनको तहफ्फुज़ नहीं देंगे कौन देगा, आप ये कैसे, बात तहफ्फुज़ नहीं हो रही, आर्मी आके दे
रहेगी। बात यहाँ पे हो रही है ये आपके मुल्क में। सर मेरी बात सुने, कानून को मजबूत करें। अच्छा देखे आप, देखे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बात सुन लेना। हमारा कानून मजबूत होता आज ऐसा होता भाई, बच्चे निकल भाई। आप बात करें लड़ाई वाला माहौल है। लॉजिक से बात करनी है, लॉजिक से बात करनी है। एक मिनट, एक मिनट, लॉजिक से बात करनी है, बात करनी है, लॉजिक से करनी है, लॉजिक से करनी है। मुझे एक बात बताएं, ये 2016-17 की बात है, ठीक है, थोड़ा सा साइड हो जाए। प्राइम मिनिस्टर चोर 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 क्या क्या उड़ा दिया जाता है, सबूत कोई नहीं है, ठीक है। आज हम 2024 में खड़े हुए हैं, उसी नैरेटिव को लेकर बढ़ाया जा रहा है। इसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा, हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही है? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सर, मेरी बात करने आवाम नहीं थी, ठीक है। पहली बात ये है, पहली बात ये है, यहाँ से मोटिव चला, ठीक है। हमारा मुआशरा, हमारा मुआशरा अभी इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं किया, इतना ज्यादा जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ। हम अभी सोशल मीडिया तक पहुंचे हैं, हमें उसका यूज कैसे करना है, कैसे नहीं करना, हमें अभी ट्रेनिंग नहीं मिली। लेकिन इस बात की ट्रेनिंग आप लोगों को मिली है कि आप लोग खबरों को कैसे दबा दें, सच को मानने से इनकार कर दें। उस लड़की का वाकया याद है जिस लड़की ने 4-5 लोगों को कुचल दिया था? क्या हुआ उस लड़की का? क्योंकि वो बड़े बाप की बेटी थी, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कोई कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसने मार दिया लोगों को, कहां पे? लाहौर में, कराची में, जहां भी हुआ था। पाकिस्तान की खबर आप लोगों को पता ही होगी। ये चूंकि कॉलेज में पढ़ने वाली, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली गरीब बाप की बेटी रही होगी, और चूंकि मरियम नवाज ने आके कह दिया, मैंने आपको बताया ना, अब उसका असर क्या हुआ? अब जो उनके सपोर्टर हैं, ये सब PMLN वाले सपोर्टर हैं, क्योंकि पता है कि भाई मरियम नवाज पर सवाल उठ रहे हैं, भाई उनकी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, ये तो सरकार पर सवाल उठेंगे। सारे सवाल ही बंद कर दो, बोले कि रेप तो हुआ ही नहीं, क्या जबरन बात हो गई। अब आप सोचिए उस बच्ची के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जब वो ये सब, ये कुत्तों वाली लड़ाई देखेंगे कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। उनकी बेटी के लिए उसके दोस्त सड़कों पर हैं, दूसरे कॉलेज के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कई शहरों में बवाल हुआ पड़ा है, लेकिन रेप तो हुआ नहीं। यानी कि जब कोई घटना ही नहीं हुई, यानी कि ये सब अपने आप झूठ साबित हो जाता है, ये सब झूठ साबित हो जाता है। और यही पंजाब की गवर्नमेंट ने कर दिया। अब आप देखिएगा, उसके माँ बाप को, उस बच्ची के माँ बाप को चुप करा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि वो हादसे में उसके साथ हुआ है, उसके साथ रेप हुआ, कोई और हादसा हुआ है। आप देखिएगा ये होगा। और ये देखिए, समाज में पाकिस्तानी मर्दों का दिमाग ऐसा है कि वो ये मान नहीं सकते कि गलती लड़के ने की होगी या गार्ड ने की होगी या ये जो भी है, क्योंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं और हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता ऐसा, गलती लड़की की रही होगी, क्योंकि मौलाना वही पढ़ा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं। अब ये लोग मानने को तैयार नहीं, आधी जनता ये तो कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, कोई FIR नहीं कटी। अब FIR पुलिस काटने से मना कर देगी, अगर मरियम नवाज ने कह दिया कि इसकी FIR नहीं कटेगी, पूरे पाकिस्तान में किसी के बाप की औकात है कि वो बोल दे कि FIR कटेगी? इमरान खान की FIR लिखवानी थी, कट गई थी इमरान खान की FIR, उसके ऊपर जो गोली चली थी कट गई थी आसानी से। इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, अब FIR पर भरोसा करोगे या वो उस लड़की पर भरोसा करोगे जिसके साथ ऐसा हुआ, या उसके घर वालों पर भरोसा करोगे जिसके साथ ऐसा हुआ? FIR बताएगी कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है? यह है तुम लोगों की मानसिकता, सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसलिए कहता हूं फेक मुसलमान हो तुम, फर्जी मुसलमान, मुसलमानों के नाम पर धब्बा हो तुम लोग, फेक फर्जी। और इसमें बहुत कुछ मौलानाओं का, क्योंकि वो इस्लामिक टीचिंग्स ऐसे देते हैं जो वो औरतों को अपनी खेती समझते हैं, औरतों को कम अकल समझते हैं, औरत बराबर नहीं है ये समझते हैं। बढ़िया भाई, समझो, अच्छी बात है, यही हो। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं,
कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,